सिंगरौली में तालाब में नहाने गई तीन नाबालिग सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तालाब का जल स्तर बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गोभा चौकी के बहरपान गांव के तालाब में डूबने से अशोक गुर्जर की तीन सगी नाबालिग बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अशोक गुर्जर के घर के पास ही बने तालाब में बच्चियां नहाने गई थी, तभी उनकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि जिले में तूफान के साथ ज्यादा बारिश होने की वजह से तालाब में पानी ज्यादा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस घटना की खबर लगते ही बच्चियों के माता पिता बेहोश हो गए और पूरे गांव में मातम का माहौल है। नाबालिग बेटियों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन भी अशोक गुर्जर के संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचा। प्रशासन के अधिकारियों ने परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की बात भी कही है। बरापान में अशोक गुर्जर के घर के ठीक सामने एक शासकीय तालाब है, जो अभी ही उसको तालाब बनाया गया शासकीय भूमि पर, उसमें पानी भरा हुआ था। अशोक गुर्जर की तीन बच्चियां, जो क्रमशः 12 साल, 10 साल और 8 साल, वो खेल रही थी और वहाँ नहाने गई होंगी, तो तीनों एक साथ डूब गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तालाब बना है, इन्हीं साल बना है तालाब, कि बारिश का बाढ़ हो रहा था पानी, उसमें खेलने उलने गई थी उधर, वो तो नहीं उतना जानकारी हम लोग, जब जानकारी हुआ तो चप्पल में मौका पानी में मतलब उबल वो कौन रहा था, तो इसकी मम्मी देखी बच्ची की, फिर हल्ला करने लगी, फिर हम गए जाग देखे तो नीचे बच्ची दबी थी, तीनों अगल बगल में थी, वहीं पे पास में थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।